नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, कमेंट्स वाली सीरीज आप लोगों को काफी पसंद आ रही है, इसकी मुझे काफी खुशी है। मुझे भी काफी मजा आ रहा है आप लोगों के कमेंट्स पर नई नई वीडियो बनाने में और लोग काफी पसंद भी सीरीज को कर रहे हैं। काफी लोगों ने कमेंट किया है, मैंने पिछले शायद एक दो वीडियो पहले मैंने पूछा था कि सर आप लोगों को ये वीडियो मेरी कैसी लग रही है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो काफी लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स मुझे मिले, इससे मुझे और भी ज्यादा एनर्जी मिली है अब आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। देखिए, मेरे चैनल पर अब डेली आपको दो वीडियोस देखने को मिल रही है, एक वीडियो दोपहर के 2 बजे और एक वीडियो शाम के 7 बजे मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। देखिए, कोशिश मैं अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूँ आपको अच्छे अच्छे जो फंड्स हैं उनके बारे में बताने की, जो आपके कन्फ्यूज़न हैं उनको दूर करने की। उसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है, वैसे तो मैं बिल्कुल सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ सभी चीज़ें, तो आप लोग फिर भी कमेंट्स कर सकते हैं और रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, और अब तो आपको रिप्लाई वीडियो के माध्यम से मिलेगा। बस थोड़े से पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट्स में नाराज़ भी हो जाते हैं कि सर हमारा कमेंट्स क्यों नहीं पिक कर रहे हैं, मैं बार बार कमेंट कर रहा हूँ। देखिए, एक दिन में दो दो वीडियो में बना रहा हूँ, अब एक दिन में 2 वीडियो से ज़्यादा बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो धीरे धीरे सभी के कमेंट्स क्लियर होंगे। ऐसे कुछ नहीं है कि कुछ ही लोगों के कमेंट्स होंगे। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, आज का जो कमेंट मैंने पिक किया है, इनका नाम है सर का हरीश उपाध्याय जी का कमेंट है। इनका कहना है कि सर मुझे, पहले तो ये थोड़े से नाराज है, इनका कहना है कि सर आप मेरे कमेंट पर ध्यान ही नहीं देते, मैं कई बार कमेंट कर चुका हूँ तो मेरे लिए भी वीडियो बनाइए। तो सर पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि आपको बार बार कमेंट करना पड़ा। सर देखिए, कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। चलिए, आज मैंने आपका कमेंट पिक किया है, चलिए सर की प्रॉब्लम सुनते हैं। सर का कहना है कि मुझे अगले 10 साल में 50 लाख रुपए चाहिए और जो मैं मंथली इन्वेस्ट करना चाहता हूँ वो 4000 रुपये चाहता हूँ, 2000 रुपये इंडेक्स फंड में और 2000 रुपये पराग परिक फ्लेक्सी कैप में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो क्या मैं 10 साल में 50 लाख का टारगेट अचीव कर सकता हूँ। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि अगर आप कहें तो मैं फंड चेंज भी कर सकता हूँ और स्टेप अप भी मैं लगा सकता हूँ। ठीक है सर, चलिए बात करते हैं आपके टॉपिक पर। देखिए सर, पहले तो आप ये समझिए SIP कोई जादू नहीं है, SIP में कोई मैजिक नहीं है, केवल यहाँ पर कैलकुलेशन की पावर आपको देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि SIP में आप कुछ भी डालेंगे और कुछ भी मिल जाएगा, मैजिक इसमें नहीं है, केवल कंपाउंडिंग की पावर आपको यहां देखने को मिलती है, इसलिए पैसा आपका तेजी से ग्रो होता है। लेकिन केवल 4000 रुपये महीना इन्वेस्ट करके 10 साल में 50 लाख का टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, अगर केवल कैलकुलेशन करके दिखाने वाली बात है, आपको खुश करने वाली बात है, तो मैं 4000 रुपये महीना सीधा एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करा दूंगा और एक स्टेप अप वहां पे लगा देंगे 200-300 रुपये का और 10 साल में आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या वो पॉसिबल है? उसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो कितने परसेंट है? बहुत ज्यादा रिस्क में आप पैसे को नहीं डाल सकते, पता नहीं आपका जो फाइनेंशियल जो गोल होगा वो कितना जरूरी हो आपके लिए। इसलिए देखिए, इन्वेस्टमेंट आप जब करें थोड़ा सा सोच समझ कर करें, बहुत हपड़ दपड़ में और किसी भी फंड के बारे में एकदम से सुन लिया कि स्मॉल कैप में रिटर्न्स बढ़िया है तो सारा पैसा उसमें झोंक दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। अब आप स्टेप बाय स्टेप समझिए कि आपका जो 50 लाख का टारगेट है वो आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से आपको क्या करना है, देखिए 4000 की जगह ना, आप थोड़ा सा विश्वास करके चलिए, पहले तो आप 4000 की जगह 5000 रुपये महीना इन्वेस्ट कीजिए और जो आपके 10 साल है उसको थोड़ा सा आप 2-3 साल बढ़ा लीजिए, आपको इजी रहेगा, आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। और अगर बिल्कुल ही आपको 10 ही साल में पैसे चाहिए तो फिर आपको अमाउंट 5000 से और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। देखिए 4000 में ये बिल्कुल मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाकर चलना चाहिए। किस तरह से आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे वो आप समझिए। और दोस्तों, आप लोग भी सभी लोग वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहां एक चीज मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। चलिए देखिए, टारगेट है जो इनका, सर का जो टारगेट है वो है 50 लाख रुपए का। अब देखिए, मंथली जो इन्वेस्टमेंट इनको करना है ना, मेरे हिसाब से देखिए, जो इनके हिसाब से मंथली इन्वेस्टमेंट था वो 4000 का था, 2000 रुपये इनको फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे थे और 2000 रुपये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में बोल रहे थे। उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि 10 साल में आप अपने 50 लाख रुपए का टारगेट अचीव कर लें। आपको मंथली 4000 नहीं, आपको मंथली 5000 रुपये यहाँ इन्वेस्ट करने होंगे और ये 5000 रुपये भी आपको दो जगह इन्वेस्ट करने हैं, ये 5000 रुपये आपको दो जगह, पहला स्मॉल कैप और दूसरा लार्ज एंड मिड कैप।
आपको फ्लेक्सी कैप के साथ जाने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं होगी। देखिए फिर भी फाइनल डिसीजन आपका है, आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं, आप अपने लिए ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं। देखिए स्मॉल कैप में 2000 रुपये महीना अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है और लार्ज एंड मिड कैप में 3000 रुपये महीना इन्वेस्टमेंट इनको करना चाहिए। और केवल देखिए लार्ज एंड मिड कैप में 3000 रुपये नहीं, यहां पर एक स्टेपअप भी लगाना होगा। स्टेपअप लगाएंगे तभी आप अपना जो आपका टारगेट अमाउंट है उसको आप अचीव कर पाएंगे। देखिए स्मॉल कैप में कौन सा फंड आपके लिए अच्छा रहेगा, देखिए वही फंड्स मैं आप लोगों को बार बार सजेस्ट करता हूँ। स्मॉल कैप कैटेगरी में काफी बढ़िया फंड है, आपको शायद ही किसी और फंड की जरूरत पड़े, आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ऑप्शन की भी शायद आपको जरूरत ना पड़े, सेकेंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं SBI स्मॉल कैप यहां पर आ जाएगा। लार्ज एंड मिड कैप की अगर मैं बात करूं, मिराई एसेट के साथ आप जा सकते हैं, बहुत बढ़िया फंड है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। इसके फंड साइज वगैरह की भी बात करेंगे, रिटर्न्स इस फंड के काफी बढ़िया है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के हिसाब से अगर आप देखेंगे। फंड साइज बढ़िया है, एक्सपेंस रेशियो बहुत अच्छा है, तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और ऑप्शन की शायद यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छा फंड है, इस फंड के बारे में थोड़ी सी और डिटेल हम लोग जान लेते हैं। मिराई एसेट एमर्जिंग फंड है, ये एमर्जिंग फंड। देखिए अगर मैं मिराई एसेट एमर्जिंग फंड के बारे में सबसे पहले बात करूं, 28,104 करोड़, इतना बड़ा फंड साइज आपको देखने को मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो 0.64% का आपको देखने को मिलेगा। और अगर रिटर्न्स की मैं यहां बात करूं, चलिए होल्डिंग्स की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मार्केट कैप के हिसाब से अगर मैं होल्डिंग्स की यहां पर बात करूं, देखिए लार्ज कैप में 51.86% का एलोकेशन देखने को मिलेगा, मिड कैप में 38% का एलोकेशन देखने को मिलेगा और स्मॉल कैप में केवल 9.74% देखने को मिलेगा। अब इसका फायदा हमें क्या होगा, देखिए फायदा ये होगा कि यहां पर मैक्सिमम पैसा आपका लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट हो जाएगा, स्मॉल कैप में तो हम अलग से इन्वेस्ट अपना पैसा कर ही रहे हैं। तो इस तरह से आप पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। देखिए इस फंड के अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूं, HDFC बैंक में, SBI में, ICICI बैंक में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, एक्सिस बैंक में, काफी बड़ी बड़ी जगह आपका पैसा होल्ड किया जाएगा, तो बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा पैसा एकदम से डूब तो नहीं जाएगा। देखिए बहुत बड़ी बड़ी ये कंपनियां हैं, ये कंपनियां इतनी जल्दी डूबती नहीं है, तो यहां पर आप थोड़ा सा विश्वास करके चलें, रिटर्न्स आपको ठीक ठाक यहां पर मिल सकते हैं। देखिए अगर रिटर्न्स की मैं यहां पर बात करूं, लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की अगर मैं यहां पर बात करूं, तो काफी बढ़िया देखने को मिले हैं, 19.82% के रिटर्न हमें यहां पर देखने को मिले हैं, जो कि काफी बढ़िया है। अब बात करूं मैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी में आ जाते हैं और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं, इसकी भी डिटेल हम लोग समझेंगे कैसा ये फंड है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड साइज इसका भी बहुत ही बढ़िया है, 37,319 करोड़, 37,319 करोड़ का फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो 0.71% का देखने को मिलता है। और अगर देखिए रिटर्न्स की मैं यहां पर बात करूं, इस फंड के रिटर्न्स भी काफी बढ़िया इस फंड ने बनाकर दिए हैं, लास्ट के 10 ईयर्स में 25.83% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट करे हैं, जो कि काफी डिसेंट है, काफी बढ़िया रिटर्न्स इस फंड ने हमें बनाकर दिए हैं। अब देखिए बात आती है SIP की, देखिए लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में जो आप SIP करेंगे 3000 रुपये महीना की, यहां पर एक स्टेप अप आपको लगाना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको रिटर्न्स काफी बढ़िया यहां देखने को मिल सकते हैं। देखिए अब आप यहां पर पहले इसके लिए थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा, तभी यहां पर पूरी कैलकुलेशन में समझा पाऊंगा। यहां पर बात कर लेंगे स्मॉल कैप की और यहां हम लोग बात कर लेंगे लार्ज एंड मिड कैप की, SIP की हम लोग यहीं पर बात करते हैं। देखिए पहले स्मॉल कैप की यहां पर बात करते हैं, अगर आप यहां पर 2000 रुपये महीना की SIP करते हैं 15 साल के लिए, तो आप कितना रिटर्न्स यहां से जनरेट अपने कर सकते हैं। देखिए 2000 रुपये पर मंथ आपका यहां पर इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न्स की अगर मैं यहां पर बात करूं, देखिए 25% से भी ज्यादा के रिटर्न्स हमें देखने को मिले थे, एग्जाम्पल के लिए मैं 18% के रिटर्न यहां लेकर चलूंगा। और बात करूं ड्यूरेशन की,
जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि 10 साल में अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ड्यूरेशन यहाँ पर 15 इयर्स की रखनी होगी आपको, तभी आप अपने टारगेट अमाउंट तक पहुंच पाएंगे। और अगर आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो फिर आपको अमाउंट 5000 से और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। लेकिन अमाउंट मैंने इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि आप पहले से ही मुझे 4000 रुपये बता रहे हैं कि आपको 4000 ही इन्वेस्ट करना है, तो फिर आपको ड्यूरेशन यहाँ बढ़ानी होगी। तो यहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट कितना होगा और फाइनल अमाउंट आपको यहाँ से क्या देखने को मिल सकता है। देखिए, इन्वेस्ट जो आपका अमाउंट होगा यहाँ पर वो होगा 360,000 रुपये, 360,000 रुपये, और जो फाइनली वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी वो बन रही है 18,38,000 रुपये, 18.38 लाख। इतनी वैल्यू फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकती है, गारंटी नहीं है क्योंकि पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन हाँ देखिए रिटर्न्स हमें 25% से भी ज्यादा कोई देखने को मिले हैं। हो सकता है फ्यूचर में 25% से भी ज्यादा देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कम देखने को मिल जाए, इसीलिए मैं पहले रिटर्न्स काफी यहाँ पर कम लेकर चला हूं। अब बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप की। देखिए लार्ज एंड मिड कैप में जो रिटर्न्स हमें मिले हैं वो 19% से भी ज्यादा के देखने को मिले हैं। यहाँ पर 3000 रुपये पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक यहाँ पर आपको स्टेप अप लगाना चाहिए 300 रुपये पर ईयर का, इतना स्टेप अप भी आपको यहाँ पर जरूर लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, तभी यहाँ पर आपको रिटर्न्स अच्छे देखने को मिल सकते हैं। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए 19% से ज्यादा के यहाँ हमें देखने को मिले थे, सेफ साइड हम लोग फिर भी यहाँ पर केवल 17% के रिटर्न्स लेकर चलेंगे, चलिए 16 हम लोग रख लेते हैं, ज्यादा रिटर्न्स लेकर मैं कभी नहीं चलता हूँ, केवल 16% के रिटर्न हम एग्जाम्पल के लिए लेकर चलते हैं। ड्यूरेशन वही रहेगी 15 इयर्स की, तो इन 15 इयर्स में पैसा आप कितना इन्वेस्ट करेंगे और फाइनली वैल्यू आपको क्या देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, अब अपनी स्टेप अप एसआईपी हम लोग करेंगे, देखेंगे कितना पैसा हम यहां से जनरेट कर सकते हैं। देखिए मंथली इन्वेस्ट हो जाएगा हमारा 3000 रुपये, रिटर्न्स केवल यहां पर एग्जाम्पल के लिए 16% में लेकर चल रहा हूं 15 साल के लिए। स्टेप अप जो हम यहां पर करेंगे वो लगाएंगे 300 रुपये का, देखिए 300 रुपये का स्टेप अप हमने यहां पर लगाया, जो हमारा टोटल पैसा इन्वेस्ट होगा वो होगा 9,18,000 रुपये, 9,18,000 रुपये, और जो फाइनली वैल्यू हमें देखने को मिल रही है वो मिल रही है 32,32 लाख, 32 लाख रुपये की वैल्यू हमें यहां देखने को मिल सकती है। 32 लाख इधर से, 18 लाख इधर से, टोटल आप इस तरह से अपने 50 लाख का टारगेट अमाउंट आप अचीव कर सकते हैं। देखिए बाकी जिस तरह से आपने बताया था कि 2000 रुपये महीना आप इंडेक्स फंड में और 2000 रुपये महीना आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करेंगे, तो उस हिसाब से आप अपने टारगेट अमाउंट को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए वहाँ रिस्क तो कम है, लेकिन वहाँ पर रिटर्न्स आपको केवल 13% के ऑन एन एवरेज देखने को मिलते हैं। उस हिसाब से आपको ड्यूरेशन और भी ज़्यादा बढ़ानी होगी, या फिर आपको अपना अमाउंट जो मंथली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको मेरे हिसाब से कम 8,000 से 10,000 रुपये तक ले जाना होगा, तब आप उस हिसाब से भी अपने पैसे, अपना जो टारगेट अमाउंट है उसको अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी कोई टारगेट है अगले 10 साल में 50 लाख रुपए का, या 15 साल में 10 लाख में तो अचीव इससे 5000 रुपये महीना से आप शायद ना कर पाए, तो आप इस तरह से देखिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए केवल कैलकुलेशन दिखाने वाली बात होती तो मैं 4000 रुपये महीना टोटली एसआईपी करके यहाँ पर स्मॉल कैप में भी आपके रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट कर सकता था, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि हो सकता है कि मेरे कहने से कोई पैसे उसी फंड में इन्वेस्ट कर दे, तो अगर किसी को फ्यूचर में ऐसे लॉस हो जाए तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कोशिश मैं करता हूँ अपनी तरफ से कि आपके पैसे, जब भी मैं कोई सलाह आपको दूँ तो आप अपने पैसे को ना डाइवर्सिफाई करके ही इन्वेस्ट करें, केवल एक फंड में सारा पैसा इन्वेस्ट कर देना वो भी स्मॉल कैप में, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। बाकी देखिए फाइनल डिसीजन आप ही का है, आप अपने पैसे को अपने हिसाब से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले आप फंड के बारे में रिसर्च करें और अपने रिस्क टॉलरेंस को भी जरूर देखें, केवल मेरे पे ही विश्वास न करें क्योंकि मैं कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।